ऐतिहासिक कृषि सुधारों के लक्ष्य के साथ पेश किए गए दो विधेयकों पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को लेकर बुल फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कपूर ने कहा कि ये बिल किसानों की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष बिना बिल को पढ़े ही इस बिल के बारे में किसानों के बीच गलत प्रचार कर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिलोक कपूर ने कहा कि जिस प्रकार राज्यसभा में कृषि सुधार बिल को लेकर धक्का मुक्की, माइक की तोड़फोड़ और रूल बुक के पन्ने फाड़ कर फेंके गए और हल्ला शोरगुल किया गया, उससे लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार तार हुई है। कपूर ने कहा कि ये बिल कृषि सुधारों में मील का पत्थर साबित होंगे और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। कपूर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन विधेयकों के पारित होते ही देश के किसानों की दशा और दिशा पूरी तरह बदल जाएगी और केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में भी इन सुधारों के बहुत सारे बिंदु शामिल थे, लेकिन भाजपा ने हिम्मत दिखाते हुए इन कृषि सुधार बिलों को पारित किया है, इसलिए कांग्रेस राजनीतिक लाभ के चलते इन बिलों का विरोध कर रही है। बुल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां पूरी तरह बेनकाब होंगी क्योंकि ये बिल राष्ट्रधारा की दिशा में एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था और इससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के विरोध के पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णय के पीछे इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो घटना घटी है वे कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि ध्वनिमत के पास किए गए बिलों की घटना कोई पहली घटना नहीं है, इतिहास में इस तरह कई बिलों को पास किया गया है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि भाजपा जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को इन ऐतिहासिक बिलों के बारे में जागरूक करेगी। दो दिन पहले आप सबके ध्यान में है कि भारत की संसद में कृषि के क्षेत्र में किसानों की दिशा और दशा को बदलने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दो कृषि विधेयक पारित हुए और दुर्भाग्यवश जो राज्यसभा में आप सब ने अपने आंखों से देखा, शायद ये लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। पूरे देश के लोगों ने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है और जो लोकतंत्र की हमारी पार्लियामेंट की जो एक मर्यादाएं हैं वो आपने तार तार होती देखी है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश की हुकूमत को अपने हाथ में लिया था तो उन्होंने किसानों के साथ एक बहुत बड़ा वायदा किया था कि ये भारत कृषि प्रधान देश है और इसकी आर्थिकी को बदलने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। और जो दो हमारे कृषि से जुड़े हुए जो विधेयक पारित हुए जिसमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस क्रांतिकारी निर्णय से किसानों की जो जीवन की जो दिशा और दशा है निश्चित तौर पर उस पर परिवर्तन आएगा। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस के मित्र बिना विधेयक को पढ़े एक राजनीति की दृष्टिगत लोगों को जो है लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस बेनकाब होगी, कम्युनिस्ट बेनकाब हो गए क्योंकि ये राष्ट्रधारा की दिशा में एक महत्वपूर्ण विषय है, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण विषय है। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना था, उसके पीछे कौन लोग हैं,
उसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है, वो होता है स्वाभाविक। जब बड़े ऐतिहासिक निर्णय हुए, इतिहास गवाह है, तो लोग सड़कों पे उतरते हैं और बाद में चेहरा जो है वो बेनकाब होता है, तब असलियत सामने आती है। कि जब देश के कृषि मंत्री नहीं ठीक है आपके जब देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी पार्लियामेंट में अपना संबोधन दे रहे थे, तो उनको आराम से सुनना चाहिए था ना। उन्होंने वो हल्ला करके उस भावना को दबाने का जो अलोकतांत्रिक प्रयास किया और जो कल राज्यसभा में उन्होंने किया, वो कोई रास्ता नहीं था। और इस तरह जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये कोई पहली घटना नहीं थी। वर्ष आप इतिहास पट कर देखें, 1947 से भी ध्वनि मत से ऐसे प्रस्ताव पारित होते चले आ रहे हैं।